इस वीडियो में बात करते हैं IERT पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चन है, एक बार लगाइएगा जरूर। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 3x² प्लस में 2k + 1x माइनस में k - 5 = 0 के मूलों के योगफल और गुणनफल। हमसे कह रहे हैं वो मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल क्या है, आपस में बराबर हैं। तो मूलों का योगफल आपने पढ़ रखा होगा माइनस में b/a और मूलों का गुणनफल पढ़ रखा होगा c/a। दोनों को जैसे बराबर करेंगे आंसर एक लाइन में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए माइनस में b/a, माइनस लगा देंगे, b जो होता है x का गुणांक होता है, अर्थात इतना आ जाएगा 2k प्लस में 1 आ जाएगा बट्टे में a। a का मान कितना है बबुआ, 3 है, तो 3 कर देंगे। बराबर कह रहा है इसे गुणनफल का, गुणनफल होता है c/a, c जो होता है कांस्टेंट वाला टर्म, अर्थात इतना पूरा होगा, माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे तो बचेगा k + 5, इतने का बटा c/a तो 3। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इस k को इधर लाएंगे तो k बचेगा, अगर एक को इधर भेज देंगे तो 4 बचेगा, k = 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है x = y = इतना, तो इतने का मान। देखिए इसको हम थोड़ा सा और बना लेते हैं। ये कुल मिलाकर लिखा है 1/x³ प्लस में 1/y³। हम एक्स का क्यूब निकाल के और वाई का क्यूब निकाल के अगर दोनों को जोड़ देते हैं, 1/2 करके जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले इसको 1/2 में लिख लेते हैं, जैसे इसको उल्टा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2 + √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे गुणा करेंगे तो आप देखिए इसके कंजुगेट गुणा कर रहे हैं, तो नीचे 1 बन जाएगा और ऊपर बन जाएगा 2 - √3 1/x। दोनों पक्षों क्यूब कर देते हैं, जैसे क्यूब करेंगे तो इधर आ जाएगा 1/x³, और इसका क्यूब कितना आएगा आप बताएंगे, ये 8 हो जाएगा, ये माइनस में 2 √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, जब इसका क्यूब करेंगे 3 √3 इसका आ जाएगा माइनस में 3ab, 3 × 6 √3 और एक कोष्ट में 2 - √3। ये आ गया y वाले किसी तरह हल कर देंगे, जैसे इसको उल्टा करेंगे सेम इसी तरह कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो सेम कर दें, कही देते हैं 1/y³ क्या आ जाएगा, ये हर जगह प्लस आएगा, हर जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो आ जाएगा 8 + √3 + 6 √3 और 2 + √3। दोनों को जोड़ देते बबुआ, जैसे दोनों को जोड़ेंगे आंसर देख रहे हैं आ जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ते हैं 1/x³ 1/y³ बराबर जोड़ेंगे। आप देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, ये पूरा प्लस में है, देखो पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन इसको अंदर गुणा कर देते हैं, ये 8 8 16 हो गया, तो 16 लिख दिए प्लस, इसका अंदर गुणा कर इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 12 √3 और ये 6 6 3 18 हो जाएगा, 18 लिख दिए। इसका जब अंदर जाएगा तो माइनस में 6 × 12 √3 और जब ये अंदर गया तो प्लस में 6 3 18 हो जाएगा। ये हो देखिए ये इससे कट गया, अब देखिए कौन कौन, 18 × 36 36 4 40 40 और कितना बचा है 12 52, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इतना बराबर 256 दिया है, 256 को अगर तोड़े तो 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128 × 256, 2 का पावर 8 आएगा 256, तो यहाँ लिख देंगे 2 का पावर 8 और इधर जो है उसको लिख देंगे 2 2 2 x। दोनों पक्षों में लाग लेते हैं, क्या लेते हैं लॉग, जैसे लग लेंगे तो ये पूरा इसका घात है तो पहले आ जाएगा, तो जब घात है तो आ जाएगा 2 2 का पावर x लॉग 2, यहाँ पर भी घात पहले आ गया लॉग 2 निपट गया। अब 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और इधर है 2 का पावर 2x, दोनों पक्षों को फिर से लाग लेंगे तो ये आ जाएगा 2 का पावर x लॉग 2, ये आ जाएगा 3 log 2, log 2 से log 2 निपट गया, दोनों पक्षों यहाँ 3 बचा है यहाँ 2 बचा है, दोनों पक्षों को फिर लाग लेंगे तो x हो जाएगा और लॉग 2 इधर लॉग 3 आ जाएगा। जैसे हम लोग x बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा log 2 log 3 और लॉग में 2, एक्स बराबर आ जाएगा log 3 / 2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।